इज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर यीशु मसीह हमारा मालिक है, राइट? परमेश्वर हमारा खुदावंत यीशु मसीह, जिसने हमें ये जीवन दिया, वो हमारा मालिक है। वो खुदावंत यीशु मसीह जिसने आज के शाम को हमें दिया, वो हमारा मालिक है। वो खुदावंत यीशु मसीह जिसने इस मौके को हमें दिया कि हम उसके घर में हो सके, वो हमारा मालिक है। और जितने विश्वास करते और कहते हैं हाँ वो मेरा मालिक है, वो कहेंगे हाँ खुदावंत यीशु मसीह तू मेरा मालिक है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम में परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया कि आज हम उसके घर में आके उसके वचन को सुन सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं, उसके दामन को छू सकते हैं, उसके हुजूरी में बैठ सकते हैं। I want to tell you one thing कि खुदावन परमेश्वर ने एक बात मेरे दिल में रखी है, और ये बात है क्योंकि आज का दिन है प्रार्थना का दिन। क्या है आज का दिन? प्रार्थना का दिन। हम लोग आज मिलते हैं इसलिए यही करते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है। बाल बताती है जब कलिसिया ने लौ लगा के प्रार्थना की थी, अरे तो पतरस को निकाल लिया गया था बंदी गृह से। जब कलिसिया ने लौ लगा के प्रार्थना की थी, जब प्रार्थना करते हैं तो बड़ी सी बड़ी चीजें हिलने लग जाती हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो अंधकार की ताकतें हिलने लग जाती हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो जंजीरें टूट कर बिखरती हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो मुर्दे बाहर निकल जाते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो बिगड़ी हुई चीजें वापस बन जाती है। प्रार्थना की सामर्थ परमेश्वर ने हम सबको दी है, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज भी परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया कि आज हम उसे पुकार सके, आज कह सके खुदावंत यीशु मसीह अब तेरी हुजूरी में आके अब फिर से तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं, राइट? ये एक ऐसा पावरफुल टूल परमेश्वर ने हमें दिया है, एक हथियार दिया है, जिसको लेकर के हम चले तो परमेश्वर के साथ हम ऐसे चलने पाएंगे, परमेश्वर की हुजूरी में जाके हम प्रार्थना करेंगे तो ऐसे बन जाएंगे, अरे सामने शैतान भी क्यों ना खड़ा हो पर कहने पाएंगे मेरा खुदा मेरे साथ है, यदि हम जब प्रार्थना करते हैं तो। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। बाइबल बताती है कि एस्थर के बारे में, कि जब एस्थर जो रानी थी उसे अपने दोस्तों के साथ वो प्रार्थना कर रही थी, जब वो अपने दोस्तों के साथ प्रार्थना कर रही थी तो पता है क्या हुआ था? राजा के अगेंस्ट में जाके खड़ी थी। अर्जा ने जो लॉ बनाया था, एक लॉ बनाया था कि कोई भी रानी उसके पास नहीं आ सकती जब तक कि वो बुलाई ना जाए, पर जब एस्थर अपनी बहनों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, यहूदियों के साथ सबने दुआएं की, और जब वो प्रार्थना करके राजा के सामने जाती है, अरे लॉ के अगेंस्ट भी खड़े होने पाओगे जब आप प्रार्थना करके जाओगे। और उसके बाद यह होता है कि वहां पर जो आज्ञा पत्री साइन कर दी गई थी, अरे राजा की मुहर लगा दी गई थी, उसकी अंगूठी का मुहर लग गया था, और वैसी पत्री की बात भी उलट दी गई थी। अरे जिस दिन यहूदियों का नरसंहार हो रहा था उसी दिन उनके दुश्मनों का नरसंहार होता, और यहूदी उस दिन जय जयकार करने पा रहे थे क्योंकि कोई था जो प्रार्थना कर रहा था, कोई था कि जो खड़ा होकर के अपने लोगों के साथ मिलकर के प्रार्थना कर रहा था, और यीशुआ के अपने यीशु के पास अपने परमेश्वर को पुकार रहा था। मैं याद करने गई प्रार्थना के बारे में तो ये देखती हूँ कि प्रार्थना केवल हम लोग बैठ के ही प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर से मिलना, अपने यीशु के पास जाना, उससे बातें करना, परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन को खोल कर मेरे पास आओ मैं तेरी सुन लूंगा। अपने दिल की बात को आप जब कहते हो परमेश्वर आपकी उस बात को भी सुनता है। परमेश्वर दिखा वचन में दिखाता है कि मरियम, अरे जो यीशु की माता थी, अरे वो शादी में एक मैरिज में इनवाइट की गई है, वहां पर गई हुई है और वहां पर नीड देखती है। जो प्रार्थना योद्धा होता है वो जहां नीड देखता है अपने खुदा को बुलाना जानता है। यदि आप प्रार्थना योद्धा हो तो आपको पता रहेगा जहां नीड है वहां खड़ा हो जाऊंगा और अपने यीशु को पुकारूंगा, क्योंकि मेरा यीशु मेरी पुकार को सुनता है और वो पुकारने से पहले मेरी प्रार्थना को सुन लेता है। अरे मरियम यीशु के पास गई थी और यीशु कहता मेरा समय नहीं आया है अभी, पर फिर भी पानी मैं में बदलने पाया। क्यों? क्योंकि कोई था जो खड़ा होके यीशु के पास गया और कहा कि शादी में मैं खत्म हो गई है। क्या हम वो प्रार्थना योद्धा है? I want to remind you all कि हम प्रार्थना योद्धा है। परमेश्वर ने हमारे अंदर वो शक्ति रखी है, परमेश्वर ने हमें वो मौका दिया है कि हम प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़े हो जाए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पता है चीजें हिलने लगती हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो बीमारियां निकल आती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती है, शैतान की शक्तियां घबराने लगती है। पर जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो जितना ही प्रार्थना करते हैं उतना परमेश्वर का हाथ बड़ा होते जाता है हमारे जीवन में, और जब प्रार्थना नहीं करते हैं तो शैतान तो ऐसा मुंह फाड़ के बैठा रहता है कि किसको मैं अभी पकड़ कर फाड़ खाऊंगा। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो शैतान हमारे ऊपर हावी होने लगता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने परमेश्वर को अपने जीवन में हावी होने देते हैं।
परमेश्वर का धन्यवाद देती हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर ऐसा खुदा है जो इस बात को दिखा रहा था कि हम लोग जब प्रार्थना करने लगते हैं, कितनी बार हो सकता है परमेश्वर के भवन में ही हो, परमेश्वर के हुजूरी में ही हो, परमेश्वर के साथ साथ सालों से हो सकता है 20 साल से, 25 साल से, अरे हम परमेश्वर हम विश्वासी हैं। मेरे खुद के बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे हम तो बचपन से ही विश्वासी रहे हैं, अरे हम बचपन से ही यीशु को जानते आए हैं, हम तो ऐसे विश्वासी हैं जो बाइबल को ना ऐसे खोलते और पढ़ लेते हैं। पता है, मैं विश्वासी होने के बाद भी कितनी बार प्रार्थना करने में हम और आपको प्रॉब्लम लगती है, राइट? कितनी बार, अरे हो सकता है आपको कलाम आपके मुंह जबानी याद होगी, पर बताना चाहती हूँ प्रार्थना करने में फिर भी हमें बहुत दिक्कत होने लगती है। और आज बताना चाहती हूँ, टॉपिक ये है कि तुझे कुछ रोक ना पाए क्या करने से, प्रार्थना करने से। तुझे कुछ रोक ना पाए प्रार्थना करने से, आपको कोई रोक ना पाए प्रार्थना करने से, कोई इंसान रोक ना पाए प्रार्थना करने से, अरे कोई बीमारी रोक ना पाए प्रार्थना करने से, मन का दर्द रोक ना पाए प्रार्थना करने से, कमजोरी रोक ना पाए प्रार्थना करने से, अरे शैतान का आतंक रोक ना पाए प्रार्थना करने से, अरे कोई भी मजबूरी आपको रोक ना पाए प्रार्थना करने से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रोक ना पाए प्रार्थना करने से, अरे माँ हो और कहती हो कि मेरे बच्चे के लिए खाना बनाना, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रोक ना पाए प्रार्थना करने से। जिम्मेवारियों को बहाना ना बनाए, आपको जिम्मेवारियां रोक ना पाए प्रार्थना करने से। अरे जॉब में इतना काम है, मैं प्रार्थना कैसे समय निकालूंगा, जॉब भी तो उसी खुदा ने दिया है, जॉब रोक ना पाए आपको प्रार्थना करने से। I want to tell you, I don't want you to slow down in your prayer life. अपनी प्रार्थना के जीवन को कमजोर मत होने दीजिए, अपने प्रार्थना के जीवन को रुकने मत दीजिए, क्योंकि प्रार्थना चलती जाएगी और तब तक आपके जीवन से बरकतें भी बढ़ती जाएंगी। परमेश्वर ने इस कलाम में एक स्त्री को दिखाना चाहूंगी जो परमेश्वर के भवन में तो रहे, परमेश्वर के भवन में हर साल जाती है, परमेश्वर के घर में अपने परिवार के साथ जाती है, अरे परमेश्वर के भवन में अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ जाती है, तब भी प्रार्थना नहीं कर पाती है। क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है? राइट, हुआ है ना, कि हम परमेश्वर के साथ हुए पर भी फिर प्रार्थना नहीं कर पा रहे। कोई तुझे रोक ना पाए प्रार्थना करने से। इस स्त्री के बारे पढ़ेंगे, पहला सैमुएल चैप्टर 1 में है, और स्त्री के बारे में हम लोग सब जानते हैं, इसका नाम है हन्ना। चैप्टर 1:2 से पढ़ूंगी। एलकाना एक है आदमी, उसकी दो पत्नियां हैं लिखा है, और उसकी दो पत्नियां थी, मतलब एलकाना की दो पत्नियां थी, एक का नाम तो हन्ना और दूसरी का नाम क्या था, पनिन्ना था, और पनिन्ना के दो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। और थर्ड वर्स में लिखा है, वह पुरुष प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पर हर साल जाता है, एक साल नहीं, अरे दूसरे साल नहीं जाएंगे कोई बात नहीं, पर वह हर साल जाने वाला इंसान है, प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बड़ी चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। अब मुझे ये नहीं पता कि कितनी दूर थी वो जगह, पर लिखा है कि प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने, सेनाओं के यहोवा को, कहिए सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए मैं प्रति वर्ष क्या हर दिन जाऊंगा परमेश्वर के भवन में। अरे सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए मैं हर दिन अपने घर में दंडवत करने के लिए बैठूंगा, अरे अपने सेनाओं के यहोवा के सम्मुख मैं जाऊंगा ताकि वो मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। और वो कह रहा है, वहां लिखा है, मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, और वहां होपनी और पिनहास नाम एली के दोनों पुत्र थे जो यहोवा के याजक थे। 4 पढ़ते हैं, और जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, ये बात जानेगा, मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वो अपनी पनिन्ना को, जो उसकी पत्नी पनिन्ना थी, और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। उसकी दो पत्नियां हैं, पनिन्ना और हन्ना, पनिन्ना के बच्चे हैं, हन्ना के नहीं है, और पनिन्ना को वो दान दिया करता है। और 5th वर्स में लिखा है, परंतु हन्ना को वह हन्ना को दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। अब देखिए, तुझे कुछ रोक ना पाए प्रार्थना करने से। हन्ना है वहीं पर परमेश्वर के घर में, और वहां पर उसका पति उसे दूना दान दिया कर रहा है, और वहां पर यह भी लिखा गया है कि उसका पति उसे दूना प्रीति, बहुत प्रेम रखता है, अरे पनिन्ना से ज्यादा प्रीति रखता है, तभी तो उसे बांझ होने के बाद भी दूना दान दे रहा है, अरे बांझ होने के बाद भी उसके साथ खड़ा है। और लिखा है, तब भी यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी। उसकी ये प्रॉब्लम है कि मेरी कोख बंद है। आगे पढ़ते हैं, परंतु उस
उसकी सौत सिक्स वर्स में इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। अब यही प्रॉब्लम हो जाती है, परमेश्वर के घर में है पर क्योंकि हमारा फोकस है बांझपन पे तो चिढ़ते हैं और कुढ़ते हैं। पनिन्ना वहां पे चिढ़ा रही है, वो कुढ़ रही है। वो परमेश्वर के भवन में तो है पर चिड़ चिड़ के कुड़ कुड़ करके परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा पा रही है। तुझे कोई रोक ना पाए परमेश्वर के सम्मुख जाने से, तुझे कोई रोक ना पाए प्रार्थना करने से। अरे हन्ना ने इस समय भी अपनी फोकस को यह बनाया है कि पनिन्ना के पास किया है। हन्ना ने यह देखा है कि पनिन्ना की बांझपन नहीं है, पनिन्ना का कोख खुला हुआ है। हन्ना ये देख रही है परमेश्वर के भवन में रह करके कि अरे पनिन्ना के पास बच्चे हैं। हन्ना ये देख रही है कि मैं परमेश्वर के भवन में तो हूं पर पनिन्ना के पास बरकतें हैं, मेरे पास बरकतें नहीं है। अपनिन्ना से चिढ़ाती थी और वह कुड़ती थी। अरे परमेश्वर के भवन में भी हो सकते हो, परमेश्वर के साथ भी हो सकते हो, पर जब जब हम अपनी फोकस को उन चीजों पे लगाएंगे जो हमारे पास नहीं है। और परमेश्वर ने कोख बंद रखी थी, अरे वहां किसी और चीज ने, परमेश्वर ने रखा था, यहोवा ने इसकी कोख बंद रखी थी, पर भी क्योंकि उसका फोकस हमेशा पनिन्ना की बातों में था वो चिढ़ती थी और कुड़ती थी। अरे परमेश्वर के भवन में आई क्यों थी? क्या चिढ़ने और कुड़ने के लिए? हर साल आती क्यों थी? क्या चिढ़ने और कुड़ने के लिए? अरे उसने ये कर भूल गई कि मैं परमेश्वर की जगह में हूं, परमेश्वर के भवन में हूं। जब हम अपनी फोकस को परमेश्वर से हटाएंगे तो हम भूल जाएंगे कि वो जगह जो बरकत की जगह है, वो जगह जहां परमेश्वर ने मुझे लाया है, वो जगह जहां परमेश्वर मुझे बरकत दे सकता है, वो जगह परमेश्वर की हुजूरी है, उस जगह की हम आदर ना कर पाएंगे, उस जगह हम समझ नहीं पाएंगे, उस जगह के इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, उस जगह के सामर्थ को नहीं समझ पाएंगे। हन्ना के साथ यही हो रहा था। परमेश्वर के भवन में है पर परमेश्वर की सामत को नहीं चख पा रही है, परमेश्वर के भवन में है पर परमेश्वर को देख नहीं पा रही है, क्योंकि इसका फोकस पनिन्ना पर है, उसका फोकस पनिन्ना की बातों पे है। आगे लिखा है, और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। अब ये लिखा नहीं कि पनिन्ना उसको घर में चिढ़ाती थी कि नहीं, पर जब जब वो यहोवा के भवन को जाती थी तब तब पनिन्ना उसे चिढ़ाती थी। भाई और बहन, हो सकता है में से कोई हो जो परमेश्वर के घर को जाना चाहते हो, जो परमेश्वर की हुजूरी में बैठना चाहते हो, तब तब आपको कोई ऐसी बात बोली जाएगी, अरे तेरा खुदा क्या करने वाला है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अरे तू क्या कर रही है, तेरा पति तो तुझे छोड़कर चला गया, अरे तू इतनी प्रार्थना क्यों करने बैठी है, तेरा खुदा तो सो रहा है, अरे वो कुछ नहीं करने वाला, तेरा बेटा जो तुझे छोड़कर चला गया वापस नहीं आने वाला। परमेश्वर की हुजूरी में तो जाना चाह रही है, जा भी रही है, पर तब तब पनिन्ना उसे चिढ़ा रही है, तुझे कुछ रोक ना पाए प्रार्थना करने से। पनिन्ना की बातें जो परमेश्वर के घर में आकर के भी उसे सुनाई देते रहती है। परमेश्वर के पास हो, परमेश्वर के घर में हो, पर फिर भी कहीं उन्हीं बातों पर तो फोकस नहीं कर रहे हो जो तुझे बार बार ये दिला रही है याद कि यू आर नथिंग, तुम कुछ नहीं। तुझे कुछ रोक ना पाए परमेश्वर से प्रार्थना करने में। भाई यहाँ पर पनिन्ना ने ये ठान लिया है कि जब जब वो भवन को जाएगी हन्ना, तब तब मैं उसे चिढ़ाऊंगी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। सेकेंड बात ये लिखा है, जब जब अपनी फोकस को परमेश्वर पर नहीं पर उस बातों पे लगाएंगे जो पनिन्ना कर रही है, उन नेगेटिव बातों पे लगाएंगे जो पनिन्ना बोल रही है, उन बरकतों को नहीं उसकी बरकतों को देखते रहेंगे, अपने वीकनेस को देखेंगे और कहेंगे कि मेरे पास नहीं है, तब यही होगा, खाना नहीं खाएंगे और रोते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे और चिढ़ते रहेंगे, और पनिन्ना वहां पर चिढ़ाती रहेगी और रहेगी और रहेगी, और हम कुड़ते ही और कुड़ते ही कुड़ते रहेंगे, जबकि हम बरकत की जगह पर है, जबकि हम परमेश्वर की हुजूरी में है, जबकि हम परमेश्वर के पास है, जब हम पुकार सकते हैं तब भी हम कुड़ और चिड़न में इतने लगे हुए हैं। आई डोंट नो क्या आपने कहां कहां पनिन्ना को देखा है। हन्ना ने तो अपने घर में देखा अपनी स्वाद के रूप में, हन्ना ने तो परमेश्वर के भवन में अरे अपनी सौत को लेकर के जा रही है जो उसे चिढ़ाती है। मुझे नहीं पता कि आपने पनिन्ना को कहाँ कहाँ देखा है, पर हर जगह कोई ना कोई पनिन्ना तो मिलेगी जो आपको और मुझको कहेगी, अरे तू कुछ नहीं है, तेरा जॉब नहीं लग सकता, तेरी शादी नहीं हो सकती, तेरे बच्चे नहीं हो सकते, तेरा घर सही नहीं हो सकता, तेरा पति तेरे पास वापस नहीं आ सकता, अरे तेरी माँ तुझे छोड़कर ना अनाथ आश्रम में छोड़ दी थी। कोई ना कोई पनिन्ना कहीं ना कहीं मिलेगी, आपके जॉब में हो सकता है कोई पनिन्ना मिल रहे हो, बार बार कह रहे हो तेरा प्रमोशन अभी तक नहीं होगा लगता है, हो सकता है कोई आपके ऐसे दोस्त होंगे जो आपको बोल रहे होंगे, अरे तेरी अभी तक नौकरी तो लग गई है मगर
नौकरी के बाद घर नहीं बना, इतनी साल से जॉब कर रहे हो, मुझे कुछ को सुनाई दिया गया है, मुझे बोला गया था अरे तुम इतने समय से जॉब कर रहे हो इतनी बड़ी जगह में, तुमने घर नहीं खरीदा, अरे तुमने इतने समय से जॉब किया तुमने अभी तक एक जमीन खरीद कर नहीं रखी। हो सकता है आपको और मुझको बताया जाए अरे हमारे पास चाहे जितने भी पनिन्ना आए आपको चिढ़ाने के लिए और कुढ़ाने के लिए, आप परमेश्वर के सम्मुख बने रहना और कहना तुझे कोई रोक ना पाएगा परमेश्वर की हुजूरी में जाने से। पर हन्ना, हन्ना उस समय चिढ़ती और कुढ़ती इतनी थी पनिन्ना की बातों से और अपने लाचारपन को देखती रहती थी कि वो परमेश्वर को भूल चुकी थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि क्या होता है। 8th वर्स में उसका पति एलकाना उससे बात करता है क्योंकि वो खाना नहीं खा रही है। अरे परमेश्वर के घर में है पर खाना नहीं खा रही है, रो रही है। परमेश्वर के घर में है वो उधर मेल बलि चढ़ा रहा है, होम बलि चढ़ा रहा है और देख रही है उसको, देख रहा है उसकी पत्नी को, रो रही है और खाना नहीं खा रही है। उसका पति उससे बोलता है 8th वर्स में, इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे अन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है और तेरा मन क्यों उदास है, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं। हन्ना को उसका पति एलकाना इतने प्यार से समझा रहा है जबकि वो बांझ है, ये बात मत भूलिएगा, वो बांझ है, उसकी कोख बंद की है, परमेश्वर उसकी कोख बंद रखी है। भले ही उससे कितना भी उसका पति प्रीति रखता है पर उसकी कोख बंद है, और तब भी एलकाना उससे बोल रहा है क्या मैं 10 बेटों से तेरे लिए अच्छा नहीं हूं। उस समय की समय को देखते हैं, अरे यदि बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी पत्नी बना ली गई, अरे उससे बच्चा नहीं हुआ तो तीसरी पत्नी बना गई, दासियों को रख लिया जाता था, पर यहां तो एलकाना उसके संग खड़ा है। अरे वो हो सकता था तो उसे छोड़ के आ जाता वो अपने घर पे और चले आता पन्ना के साथ अपने बच्चों के साथ होम बलि और मेल बड़ी चढ़ाने के लिए, क्योंकि वो तो परमेश्वर की हुजूरी में आ रहा था, राइट। पर हन्ना तब भी चिढ़ती और कुढ़ती थी, तब भी हन्ना रोती और खाना नहीं खाती थी, तब भी हन्ना वहां पर यही कह रही थी कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, पनिन्ना के बच्चे हैं मेरे बच्चे नहीं है। अरे एलकाना उसके साथ है, उसका पति उसके साथ है, उसे प्रेम करने वाला, उसके संग खड़े रहने वाला, उसके साथ साथ चलने वाला, उसे लेकर आने वाला, अरे उसे प्रीति रखने वाला पर उसका पति है, पर फिर भी हन्ना ने अपनी फोकस कहां लगाई है, पनिन्ना की बातों में, और वो भी कहां पे, परमेश्वर के घर में। ये बात याद रखिए, परमेश्वर के घर में होते हुए भी पति इतना प्रेमी है पर फिर भी उसका फोकस पनिन्ना की बातों में है। आपकी फोकस कहां पर है आज? प्रार्थना हमारे लिए हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, पर यदि हम अपनी फोकस को, अपने केंद्र को उन नेगेटिव बातों में लगाते रहेंगे, उन गंदी बातों को सोचते रहेंगे, अरे मेरे साथ 10 साल पहले क्या हुआ था, अरे मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया, अरे मेरा पति मुझे छोड़ दिया, अरे मेरे लोगों ने, मेरे भाई बहनों ने मेरे साथ नहीं दिया, अरे उस समय मैं तंगी में थी उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, धोखा दे दिया। बताना चाहती हूं तुझे कोई रोक ना पाए प्रार्थना करने से, जब तक हम अपनी फोकस को उन नेगेटिव चीजों में और पनिन्ना की बातों में और अपने वीकनेस में, अपने आप में लगाते रहेंगे, तब तब हम प्रार्थना की सामर्थ को देख नहीं पाएंगे। हन्ना तो अपने पति के प्यार को भी देख नहीं पा रही थी, कि इतना प्यारा पति उसके साथ है और वो भी ना, मैं तो इतना प्रीति रखता हूं, बाइबल रिकॉर्ड कर रही है उससे प्रीति रखने वाला पति, उसके साथ रहने वाला पति, पर she's still thinking about the blessing which she is not received yet. अब तक उसी बातों पर है, पनिन्ना मुझे चिढ़ा रही है, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, चाहे मेरा पति मुझसे प्रेम करे ना करे मुझे बच्चा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बच्चा चाहिए। वो परमेश्वर के भवन में है पर अब भी चिढ़ती और कुड़ती है और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पा रही है। उसका रिजल्ट क्या होता है? When you are continuously, अब बार बार अपने केंद्र को, अपने अपने फोकस को उन गंदी बातों पे लगाते रहोगे, उन गलत लोगों की बातों पे लगाते रहोगे, उन नेगेटिव बातों पे लगाते रहोगे, तो यही होगा, our heart will be troubled, disturbed, annoyed, angry, irritated, और यही उसके साथ हो रहा है। व्याकुलता भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है और उसके बाद चिढ़न भरा हुआ है। तुझे कुछ रोक ना पाए प्रार्थना करने से, इसका तो बैरनेस है, इसकी तो बांझपन है जो उसे रोके भी है। हन्ना की बांझपन ने उसे रोक रखा है परमेश्वर से प्रार्थना करने में, हन्ना की बांझपन ने उसके वीकनेस ने उसे रोक रखा है प्रार्थना करने से। अरे एलका
सेनापति उसके साथ है, पर उसका प्रीतिपन भी उसे दिखा नहीं पा रहा है कि परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। वो प्रार्थना नहीं कर पा रही है। हो सकता है आपके जीवन में एक एक बरकत परमेश्वर ने दी है। आपने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा मिला। आपने कहा कि मेरे बच्चे बड़े हो जाए, बड़े हो गए। अरे अच्छी जगह में नौकरी कर रहे, सब कुछ होते हुए भी, पर क्यों कि 10 साल पहले आपके लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। वो बात को अब तक याद करते रह रहे हो, क्या भूल जा रहे हो कि परमेश्वर ने आपके पास क्या दिया है। आर वी थैंकफुल टू द लॉर्ड? यस, व्हाट ही हैज ऑलरेडी डन इन आवर लाइफ। क्या हम अभी तक उन्हीं बातों में तो नहीं है? When I was reading again about this, God showed me कि power of God ministry के साथ कितने सारे लोग थे और कितने लोग चले गए। पर power of God ministry ने काम किया, हमारे खादिमों ने काम किया। जो गंदी बातें थी, जो बीती बातें थी, जो अच्छी बातें नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो लुभावनी बातें हैं, जो उचित बातें हैं, जो सत्य बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उन बातों पर ध्यान करो। उन्होंने उन बातों पर ध्यान किया और बढ़ते आ गए। उन्हें कोई रोक नहीं पाया परमेश्वर की हुजूरी में आने से। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री को कोई रोक नहीं पाया परमेश्वर की हुजूरी में बैठने से। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री को रोक नहीं पाया यीशु मसीह के हाथों से बरकत पाने में। आगे बढ़ते हैं। हन्ना ने एक काम किया, उसके बहुत हो गया, शी डिसाइडेड, बहुत हो गया बैरननेस, बहुत हो गया पनिन्ना की बातें, बहुत हो गया छिड़ना, बहुत हो गया कुड़ना। एंड नाइट बस इट्स रिटन लाइक दिस, हन्ना ने एक काम किया है। आई प्रे कि हमारा ये टर्निंग पॉइंट आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, कि हम भी हन्ना की तरह बन जाए कि तुझे कोई रोक ना पाए प्रार्थना करने से। नाइन्थ वर्स मिल गया, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। अब तक भी हन्ना उठती थी अपने घर से परमेश्वर के भवन में आने के लिए, पर इस बार वह शीलो में खाना खाने के बाद हन्ना उठी है। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एलिय्याह जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, और 10th वर्स में लिखा है, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगे। अब तक वो रोती थी पर लोगों के सामने रोती थी, अब तक वो रोती थी एलकाना के सामने रोती थी, अब तक वो रोती थी तो पनिन्ना से चिढ़ाती थी, अब तक वो बिलख बिलख कर रोती थी, लोग उसे चिढ़ाते रहते थे। पर अब जब आई है उसे डिसाइड कर लिया, नो मोर फोकसिंग ऑन पनिन्नास वर्ड। अब मैं पनिन्ना की बात पे ध्यान न दूंगी, अब मैं पनिन्ना की उन बरकतों की ओर देखती नहीं रहूंगी, अब मैं उसे चिढ़ती नहीं रहूंगी, अब मैं कुड़ती नहीं रहूंगी, पर मैं अब उठूंगी कि यहोवा के सामने जाऊं और प्रार्थना करूं और बिलख बिलख कर रोऊंगी, क्योंकि मेरा खुदा है जो बिलख बिलख कर रोने की मेरी सुनता है, मेरा कुड़ाना देखता है, मेरे दर्द को देखता है, सच में वो देखता है। जब जब हम अपने फोकस को वापस खुदा की ओर लगाओगे, प्रार्थना करने लगोगे, बिलख बिलख कर जरूर से रो रहोगे, बाहर से देख रहे होंगे लोग आपको बिलख बिलख कर रोते हुए, पर खुदा आपके अंदर इतनी बड़ी सामर्थ को दिखाएगा, आपको इतनी सामर्थ दे देगा कि आप प्रार्थना में बलवंत होते जाओगे। हन्ना की बात को उसके बाद देखिएगा, बिलख बिलख कर क्यों रो रही थी कि उसे बच्चा चाहिए, बिलख बिलख कर रो रही थी कि मेरा ये बांझपन खत्म हो जाए, बिलख बिलख कर रो रही थी कि पनिन्ना ने मुझे बहुत चिढ़ाया, पर खुदा बाबा मैं अपने बच्चे को तुझे देने जाऊंगी। जब हम और आप यहोवा के सामने रोना बिलखना जान जाएंगे तो आपको परमेश्वर इतनी सामर्थ देगा, अरे वही बरकत जो परमेश्वर आपको देगा परमेश्वर के वापस देने पाओगे। हन्ना ने अपनी वही बरकत को, अरे उसे सैमुएल मिला और सैमुएल को परमेश्वर के सम्मुख ने छावर कर दी। How can she do it? Because something was there that she understood. कुछ नहीं वह रोक सकता है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने से, कोई बात मुझे रोक नहीं सकती, अरे ब्लेसिंग अभी नहीं मिली है तो क्या हुआ, पर मैं खुदा के पास जाऊंगी, मुझे खुदा बरकत देगा, मेरा खुदा मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मेरा खुदा मेरे रोने को देखेगा और मेरी बरकत को फिर से वो जब देगा तो इतनी बड़ी बरकत होगी कि 10 से 20 तक लोग जा जाएंगे, अरे यही है भविष्यवक्ता, यही है साबिर जिन्हें खड़ा किया गया है ताकि लोग उसे ग्रहण करें और परमेश्वर की बरकतों को पाने पाए, यहोवा के वचन को पाने पाए। खुदा तेरा धन्यवाद देती हूँ, सच में जब जब हम खुदा की ओर देखने पाएंगे, बिलक बिलक कर रोते रहोगे, तब आपको फिर से कोई होगा, कोई कुछ बातें बोलेगा, इट विल नॉट अफेक्ट यू। अरे उसके बाद भी एली बोल रहा था, अरे तू क्या पी हुई है क्या, तेरे लब तो हिल रहे हैं, बस शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, अरे नशे में हो क्या, अरे दिन में चढ़ा नहीं तो नशे में अभी तक है, नथिंग वाज एबल टू हर्ट हर अगेन।
अरे रो रही है पर परमेश्वर के सम्मुख आकर के और एली की बात से हर्ट नहीं कर रही है, फिर वो बता पा रही है, अरे मैं तो दुखिया हूँ, मैं तो अपने परमेश्वर से अपने दिल की बात खोल कर कह रही हूँ। भाई कोई आपको रोक ना पाए, अपने परमेश्वर के सम्मुख जाके अपने दिल की बात खोल कर कहने के लिए, कोई आपको रोक ना पाए, आपके दर्द को बयां करने के लिए खुदा के सामने। If your heart and hurt and hurt continuously, then go back to the Lord and बिलक बिलक के रो जा। वो खुदा है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो देखेगा, उसके बाद उसकी प्रार्थना बताना चाहूंगी, because that is something which has touched me a lot। अब तक हन्ना परमेश्वर के भवन में थी पर परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझ पा रही थी, परमेश्वर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी, यहोवा को नहीं समझ पा रही थी, पर अब उसकी बात को सुनेगा और उसने अमानत मानी 11 वर्स में कि हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा। एलकाना जाता था मेल बलि होम बलि चढ़ाने के लिए किसके पास? सेनाओं के यहोवा के पास। अरे उस समय हन्ना भेजाती थी पर हन्ना नहीं पहचान पाई थी अपने यहोवा को, पर जब अब वापस उठ करके अपने बिलख रही है अपने यहोवा के सामने प्रार्थना करने से, अब वो नेगेटिव बातों से रोक नहीं पा रही है प्रार्थना करने से, अपन इन्ना की बातें से रोक नहीं पा रही है प्रार्थना करने से, अपन इन्ना का चिढ़ाना उसे रोक नहीं पा रहा प्रार्थना करने से, तो वो पहचान गई अपने खुदा को कि वही है सेनाओं का यहोवा, वही है बरकत देने वाला खुदा, वही है जो मेरे हाथ को थामता है, वही है जो मेरे रोने को देखता है, वही है जो मेरी कोख को फिर से बरकत देगा, वही है जो मुझे फिर से खड़ा कर देगा, वही है, वही है। ओ कह रही है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, सचमुच दृष्टि करे, नाउ शी इज अंडरस्टैंडिंग। जब हम अपने फोकस को गलत बातों से निकाल करके वापस यहोवा की ओर लगाएंगे, आप भी समझ जाओगे कि वो खुदा आपकी ओर दृष्टि करता है और मेरी शुद्धि ले। वाओ, शुद्धि ले मतलब याद करे खुदा। अब वो समझ पा रही है कि खुदा मुझे याद भी करता है, खुदा मुझे इतनी शुद्धि लेता है, अब वो याद कर पा रही है खुदा मेरे दर्द को समझता है। और तू अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे अपने जीवन भर, उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। Just think about it, कि इसे कोई रोक ना पाए, ना उसकी बैरननेस, ना पनीर, ना की गंदी बातें, ना ही कोई और बात। I don't know what is stopping you today to come to the Lord। कौन सी सी बात है जो आपको रोकी हुई है? शायद आपका दर्द बहुत है जो लोग नहीं समझ पा रहे, खुदा समझेगा, खुदा समझेगा। बहुत बिट्रेल देखा है, खुदा समझता है भाई, खुदा समझता है बहन। देखा है माँ बाप को छोड़ते हुए तुझे, खुदा समझता है। पर खुदा के पास तो आओ और कहो कि खुदा बाप मैं दुखिया हूँ, तेरे सम्मुख आऊंगी, तेरे सम्मुख रोऊंगी, तेरे सामने प्रार्थना करूंगी। उसके बाद हम सब जानते हैं वही दुखिया माँ, दुखिया स्त्री हन्ना माँ बनती है और सैमुएल होता है, और उसके बाद भी जब वो सैमुएल को दे, उसके बाद भी उसे बरकतों से परमेश्वर और बच्चे देता है। ये तब हुआ जब उसने अपनी निगाह वापस यहोवा की ओर लगाई, ये तब हुआ जब उसने ये ठान लिया कि मुझे कुछ रोक नहीं पाएगा मेरे यहोवा के सामने जाने से, मुझे कुछ रोक नहीं पाएगा मेरे यहोवा से प्रार्थना करने के लिए। अरे मेरी जॉब, मेरी रोज, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी जिम्मेदारी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, मेरे लोग, उनकी गंदी बातें, मेरी यादें, पुरानी बातें, मेरी बीमारी, मेरी तंगहाली, अरे कुछ रोक नहीं पाएगी, मेरा फेलियर मुझे रोक नहीं पाएगा मेरे खुदा के सामने जाने से। पर अपने दुख को बयां करने के लिए मैं अपने खुदा के पास जाऊंगा। आइए अपने प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे और खुदावंत यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे इस समय में कि खुदावंत यीशु मसीह ऐसा खुदा है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो सेनाओं का यहोवा है जो हम पर दृष्टि करता है, वो सेनाओं का यहोवा है जो हमारी शुद्धि लेता है, वो सेनाओं का यहोवा है जो हमारे भूलता नहीं है। वो देख रहा है कि हमारी कोख बांझे, वो देख रहा है कि तू रो रही है माँ है, तो देख रहा है कि तेरा बेटा तुझे दूर हो गया है, वो यहोवा देख रहा है, तेरा यीशु तुझे देख रहा है, वो यीशु देख रहा है कि तेरा पति बीमारी के बिस्तर में पड़ा है, वो देख रहा है कि तेरा बेटा, तेरी बेटी गलत राह में चले गए। But it's your time to come back to the Lord and say, Lord, I will continuously pray and pray and pray and pray to you, Father God. वो देख रहा है, खुदावंद यीशु मसीह मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता, आज हर एक भाई और बहन, हर एक बच्चा, हर एक जवान जो तेरी ओर वापस फिर के आ रहे हैं और कह रहे मुझे कुछ रोक ना पाएगा,
मुझे कोई भी बात रोक नहीं पाएगी, मुझे कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी, चाहे जितनी भी जिम्मेदारी क्यों ना, पर मुझे रोक ना पाएगी अपने खुदावंत यीशु मसीह से बात करने से। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ रोक ना पाएगा अपने खुदावंत से मुलाकात करने से, रूबरू होने से, उसके चेहरे को निहारने से और उसके सामने में दिल की बात को कहने से। खुदावंत यीशु मसीह में धन्यवाद देती है और प्रार्थना करती परमेश्वर हर एक बहन, हर एक भाई और एक माँ बाप की बातों को, हर एक बच्चे की, हर एक जवान की प्रार्थना को सुन ले आज और उन्हें कबूल कर पिता। और जैसे तूने हन्ना को स्ट्रेंथ दिया परमेश्वर कि अपनी बरकत को वापस तुझे देने पाए, खुदा बाप वैसे हमें बना दे। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह नास्तिक नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आई विल रिक्वेस्ट पास्टर, ओके, पास्टर पीट, थैंक यू। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, कम ऑन, लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर द लॉर्ड। अमेजिंग, अमेजिंग वर्ड, बहुत खूबसूरत वचन। एंड I believe that when you go with this word, may the Lord keep you and strengthen you and encourage you, and may the Lord use you more mightily. Amen. I think Power of God Church is baat pe vishwas karta hai ki prarthnaon se sab kuch sambhav. And that's right ki kai baar paristhitiyan aapko aur mujhko Parmeshwar mein aage badhne se rok leti hain. Aur simple si cheez hai, chalan, गुड़न, गुस्सा, किसी ने आपका निरादर कर दिया, किसी की कोई बात चुभ गई, ये छोटी छोटी चीजें कई बार आपके प्रार्थना के जीवन को बर्बाद कर देती हैं। याद रखिएगा, आपका प्रार्थना का जीवन अगर शैतान को बर्बाद करना है तो उसे कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करना पड़ेगा। अगर शैतान को आपके प्रार्थना के जीवन को बर्बाद करना है, वो आपके दिल में थोड़ी सी कुड़न दे देगा, थोड़ी सी जलन दे देगा, थोड़ी सी किसी के लिए नफरत दे देगा, किसी की कोई बात आपके दिल में एक कांटे की तरह चुबा देगा और आप उन्हीं चीजों में फंस के, उन्हीं बातों में फंस के उलझ के रह जाएंगे और वही सोचते रहेंगे और प्रार्थना का समय निकल जाएगा। और ऐसा ही शैतान हमेशा से करता आया। पर जब हन्ना को ये वाली बात पता चल गई कि शैतान ने मेरे दिल में जलन और कुड़न डाली है, उसने जलन और कुड़न को दूर किया और अपने आप को खुदा की तरफ केंद्रित किया और परमेश्वर ने उसे बरकत दी। छोटी जलन, कुड़न, गंदी सी बात, किसी की कोई चुभने वाली बात जो कांटे की तरह लग गई आपके दिल में, उसे निकाल के दूर फेंक दें। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो छोटा सा कांटा जो शैतान आपके दिल में डाल रहा है कि आप प्रार्थनाओं को रोक दें, या वो बड़ी बरकत जैसे सैमुएल नबी को परमेश्वर ने हन्ना की कोख में देने के लिए सोच रखा था। आप या तो छोटे से कांटे के लिए जो आपके दिल में है, छोटा सा कांटा जो आपके दिल में है, आपका फोकस वो छोटा कांटा भी हो सकता है, या आपका फोकस ये भी हो सकता है कि मैं उस बड़ी बरकत के लिए अपने आप को तैयार करूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए आगे रखी है। अन्ना को ये समझ में आने लगा था परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ बड़ा रखा है। उसे तो ये शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि परमेश्वर ने उसके लिए सैमुएल रख रखा है, प्रॉफिट रख रखा है। सोच के देखिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर यू रेडी विद मी? जस्ट वन मिनट, ऑलराइट? आप अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर दीजिए और ये सोचिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लोगों की वो गंदी बातें जो आप अपने दिल में रख लेते हैं, जो एक कांटे की तरह चुभ जाती हैं और आप उनके बारे में सोचते रहते हैं, उस कांटे को नर्चर करते रहते हैं, उस हर्ट को नर्चर करते रहते हैं, उसे संभाले रहते हैं, चोट को, या वो इंपॉर्टेंट है या वो बरकत इंपॉर्टेंट है जो प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर आपको देने पे। आप उस छोटी सी चीज की वजह से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, पर आपकी उस छोटी सी प्रार्थना से परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बड़ी बरकत दे सकता है। हन्ना ने पनिन्ना की छोटी छोटी बातों को अपने दिल से निकाल दिया और परमेश्वर से छोटी छोटी प्रार्थनाओं को करना स्टार्ट किया। कितनी बड़ी प्रार्थना लिखी है, छोटी सी प्रार्थना है, हे प्रभु मुझे बरकत दे। और बताइए, इतनी छोटी सी प्रार्थना से इतनी बड़ी बरकत आ गई। एक छोटा सा कांटा आपकी उस मजबूत और छोटी सी प्रार्थना को रोक सकता है। उस छोटे से कांटे को, उस छोटी सी गंदी बात को, उस छोटी सी खराब बात को अपने दिल से निकाल दीजिए। पर क्या करिए, उन सामर्थी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को अपने घर से उठने दीजिए। कई बार हमें ऐसा लगता है हमें सब काम छोड़ के बैठना और तब प्रार्थना करना, अब प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। ना 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 ना, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाए। बर्तन धो रही है मेरी बेटी, बर्तन धोते धोते खुदावंद
वो तो बर्तन रही हूं, पर मैं मालूम है, मुझे मालूम है, तूने मुझे रानी की तरह देखा, तूने मुझे अपनी बेटी की तरह देखा है। गाड़ी पे जा रही है, धूल मुंह में लग रही है, धूप आप में लग रही है, बारिश गिर रही है, परेशान है, पसीना निकल रहा है, गाड़ी पे जाते जाते बोल सकते खुदा बाप तू मेरी चिंता करता है। ये एक प्रार्थना है, ये छोटी जरूर है पर सामर्थ्य है। आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, दिल टूटा है, आंसू निकल रहा है, गाड़ी ड्राइव करते करते कह सकते प्रभु मुझे मालूम है तू मेरे साथ है। अरे आपको मालूम नहीं कौन सी प्रार्थना कब सुन ली जाए, कौन सी प्रार्थना पे कब ध्यान दिया जाए। रात में जब आप बर्तन धो रहे हो शायद उस समय प्रार्थना सुन ले, उस समय जब लोग आपको चिढ़ा रहे हो आप मुस्कुरा रहे हो, बोल रहे हो खुदा बाप ये चिढ़ा रहे हैं, इनके चिढ़ाने को देख ले और मुझे बरकत दे। हो सकता है परमेश्वर आपको उस समय बरकत दे। चिढ़ाते ही चिढ़ाते जब आपने प्रार्थना कर दी और खुदा ने देख लिया तो बोलेगा जिब्राइल को देखो इसका सबूत भी है, ये चिढ़ा रहा है, लिख लो लिख लो। इसके चिढ़ाने के एवज में परमेश्वर आपको बरकत देगा। कई बार तो बहुत सी बड़ी बरकतों का कारण ही ये होता है कि परमेश्वर ने देख लिया होता है ऐसे कितना चिढ़ाया जा रहा है। खुदावंद ने बोला होगा जब हन्ना की प्रार्थना ऊपर गई होगी उसके भवन में चिढ़ाया जा रहा है, देखा होगा उसने बोला अच्छा मेरे भवन में इतना चिढ़ा रही है, तो खुदावंद ने भी सोचा होगा मैं भी अपने भवन में से इतनी बड़ी बरकत दूंगा कि चिढ़ाने वाले देखते रह जाएंगे। और भाई साहब ऐसा बच्चा दिया कि जिस भवन में उसे चिढ़ाया जा रहा था वो उसी भवन में खादिम बन के खड़ा हो गया, वो उसी भवन में प्रॉफिट बन के खड़ा हो गया। अरे इसी भवन में जहां पर लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, उसी ऑफिस में जहां लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, उसी स्कूल में जहां लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, उसी घर में जहां पर लोग तुम्हें नीचा देख रहे हैं, परमेश्वर उसी घर में तुम्हें उठा के एक प्रॉफिट के रूप में खड़ा कर देगा, उसी के घर उसी जगह पे उठा के तुम्हें एक बड़ा मैनेजर बना देगा, उसी जगह पे तुम्हें बड़ा बिजनेसमैन बना देगा। तुम्हारी उसी कॉलोनी के अंदर जहां पर से जब तुम निकलते थे लोग तुम्हें देख के थूक दिया करते थे, तुम्हें सलाम ठोक के कहेंगे सलाम साहब। मालूम क्यों? क्योंकि जब वो तुम्हें चिढ़ा रहे थे तब तुम उसकी आराधना कर रहे थे, तब तुम उसकी प्रार्थना कर रहे थे। Come on people of God, let's make our mind, जितना लोग हमें चिढ़ाएंगे हम उतनी प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे। Come on, say that. जितना लोग हमें चिढ़ाएंगे हम उतना ही प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे। जितना बड़ा उनने चिढ़ाया उतनी ही बड़ी खुदा ने आशीष दी। अरे चिढ़ना नहीं और परेशान नहीं होना, हर एक खराब बात के बदले खुदावन तुम्हें दुगने आदर का पात्र ठहरा है। Come on everybody, lift up your hands right now. Everybody who's watching, जितने लोग देख रहे हैं, आज डिसाइड कर लीजिए कि खुदावन किसी भी चीज को मैं आज अपने आड़े नहीं आने दूंगा, मैं अपने आड़े नहीं आने दूंगी और मैं बढ़ती चली जाऊंगी। Let's stand up in our places for a moment and just thank him. Just thank him. What a beautiful message, Sister Newton. What a blessing. Beautiful, beautiful, beautiful word. खुदावन आज आपसे बात कर रहा है। हो सकता है आप मुझे अपने घर में देख रहे हैं और आप परेशान हैं। If anybody is in the church today, अगर कोई भी कलीसिया में है इस समय और किसी चीज को लेके परेशान है, कोई चिढ़ा रहा है, कोई दिक्कत है, I want you to take it to the Lord right now. Just take it to the Lord और बोले खुदा बाप आज चिढ़ाने वाली बातों को तेरे सामने नहीं लाई हूं, आज तेरे सामने कुड़ने के लिए और परेशान होने के लिए नहीं आई हूं, पर आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं ताकि आप हमारी दुआओं का जवाब दें, आप हमें संभालें, आप हमें उठाएं। Come on, just take it to the Lord. Whatever is your prayer, just take it to the Lord. Everybody who's watching, जितने लोग घरों में देख रहे हैं, अपने आप को खुदावन की हुजूरी में ले जाएं, बोले खुदावन मैं तेरी तरफ देख रहा हूं। The Lord will bless you right now. Take 2 minutes at least. Pray 2 minutes, just 2 minutes. Say, God, I want to come before you and I want to exalt you. मेरे चिढ़ाए जाने को देख, मेरे सताए जाने को देख, मेरे लिए उन गंदी बातों को किए जाने को देख और उनके एवज में मुझे बदला दे। एक दिन की बात है, दाऊद का अपना बेटा उसके खिलाफ हो जाता है, उसको उसके राजमहल से निकाल देता है और दाऊद नंगे पैर अपना सर ढांपे हुए जा रहा होता है और दूसरी तरफ एक इंसान जिसका नाम शिमी होता है, शिमी का पुत्र, वो पत्थर फेंक फेंक के कह रहा होता है कि ये परमेश्वर ने इसके खिलाफ किया है, ये परमेश्वर ने इसको ऐसी हालत में लाके रख दिया है।
दाऊद का एक सैनिक कहने लगता है, मालिक ये कुत्ता क्यों ऐसी बात करे कि तेरे खिलाफ ऐसी गंदी बातें करे, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपनी तलवार लेके इसके गले को इससे दूर, इसके गले को इससे इसके धड़ से अलग कर दूं। और दाऊद कहने लगता है, ना इसको ना छूना, ना इसको कुछ ना कहना, क्या जाने परमेश्वर इसकी बातों के बदले, क्या जाने परमेश्वर इस सताए जाने के बदले मेरे ऊपर दया करे। और खुदावंद ने वाकई में दाऊद के ऊपर दया करी और खुदावंद ने दाऊद को एक राजा के रूप में खड़ा कर दिया। आई वॉन्ट टू टेल यू, हो सकता है लोग तलवार देके जा रहे हैं, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, लोग गालियां फेंक रहे हैं, को लोग गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, पर आप आसमान की खुदा की ओर अपनी नजर को करे रहिए, आसमान का खुदा आज आपको उठाने पे, वो तेरे सर की ऊपर की राख दूर करके तुझे यश का ओढ़ना देगा। Come on everybody, come on, receive करें आज अपनी लाइफ के अंदर, खुदावन तू मुझे यश का ओढ़ना देगा, तू मेरी सर की राख को दूर करेगा तो मुझे यश का ओढ़ना देगा, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मेरे परिवार में राख को दूर करेगा, यश का ओढ़ना देगा। खुदावन मैं दुआ करता हूं इस समय हर एक जन के लिए, अपनी कलीसिया के एक एक मेंबर के लिए, एक एक जन जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं प्रभु कि आज अपने हाथ को इनके घरों पे बढ़ा ले, और दुआ करते हैं चिढ़ाए जाने के बदले खुदावन इनको यश का ओढ़ना दे, सर के ऊपर की राख दूर कर और बरकत दे, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। कम ऑन, लेट्स क्लैप आवर हैंड्स एंड गिव हिम द ग्लोरी, थैंक यू जीसस, कम ऑन, बोले धन्यवाद यीशु, कम ऑन अपना मुंह खोल के बोलेंगे धन्यवाद यीशु, कम ऑन धन्यवाद यीशु, किसके लिए, मेरे फाइनेंसेस के लिए, कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव गॉड विल ब्लेस योर फाइनेंसेस, कम ऑन, जैसे धन्यवाद यीशु मेरे फाइनेंसेस के लिए, कम ऑन एवरीबॉडी से इट, जो विश्वास कर रहे हैं खुदावन आपके फाइनेंस को ब्लेस करेगा, जस्ट लिफ्ट योर हैंड्स, खुदा बाप धन्यवाद फाइनेंसेस के लिए, कम ऑन धन्यवाद करें अपने उठाए जाने के लिए, एक नए स्तर पे उठाए जाने के लिए, कम ऑन धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि तू मुझे एक नए स्तर पे उठा रहा, कम ऑन एवरीबॉडी थैंक गॉड दैट गॉड इज लिफ्टिंग यू एट अ न्यू लेवल, एवरीबॉडी हु बिलीव्स God is lifting you to a new level. Lift your hands and say, God, I believe. Come on, jitne log vishwas kar rahe hain apne gharon mein yahan par, bole khudavand main tera shukr karta hu ek naye level ke liye. Come on, believe for promotions in Jesus' name. Come on, lift your hands. Bole khudavand main tera shukr karta hu. Come on, believe. Dhanyawad naye promotions ke liye. Khudavand kuch logon ke liye naye darwazon ko khol raha hai. नए दरवाजों को खोले जाने के लिए धन्यवाद करें, कम ऑन अपने हाथों को उठाएं, बोले खुदावंद तेरा शुक्र है नए दरवाजों को खोल रहा है, वो दरवाजे जो हैं भी नहीं खुदावंद आपके लिए वो दरवाजे खोल देगा, वो चीजें जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही है खुदावंद उन चीजों को आपके लिए कर देगा, कम ऑन जस्ट से लॉर्ड आई थैंक यू, एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग इन योर हाउसेस बोलिए खुदावंद तेरा धन्यवाद, नए दरवाजों के लिए शुक्र करिए, कम ऑन तालियां बजाते हुए जय जयकार करते हुए थैंक यू फॉर न्यू डोर्स, कम ऑन धन्यवाद दे ब्रेक थ्रू के लिए, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन टेक दिस टाइम, थैंक यू फॉर अ ब्रेक थ्रू, ओ यस लॉर्ड थैंक यू फॉर अ ब्रेक थ्रू, ओ थैंक यू गॉड फॉर अ ब्रेक थ्रू, कम ऑन थैंक गॉड फॉर अ ब्रेक थ्रू, थैंक गॉड फॉर व्हाट गॉड इज डूइंग इन आवर नेशन, कम ऑन लिफ्ट योर हैंड्स एंड से थैंक यू जीसस फॉर व्हाट यू डूइंग इन आवर नेशन, You have heard our prayers. Come on, thank God. Thank you, Jesus, for what you're doing in our nation. Thank you for what you're doing in the nation. Come on, thank God, believing that God is going to do wonderful thing in our nation during this election. Come on, lift your hands, everybody. Say, thank you, Jesus. We believe you're going to do a great thing in our nation. Everybody, say, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for you heard our prayers. खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने हमारी दुआओं को सुना है हमारे देश की हमारी आह को सुना हमारे आंसुओं को सुना थैंक गॉड फॉर व्हाट यू आर डूइंग गॉड ब्लेस यू लॉर्ड इज ऑन द थ्रोन ओ यस लॉर्ड धन्यवाद 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 थैंक यू वही है जो एक को उठाता है दूसरे को बैठा देता है वही है जो एक का सिंहासन स्थापित करता है दूसरे का हिला देता है वही है ही इज द लॉर्ड Oh, I worship you, Lord. Dhanyavad. Come on, just sing praises to the Lord. First, take a minute, everybody. Just sing praises. Sing in the spirit. Sing in the spirit. Thank you, Jesus. Shakala rabose. Sing in the spirit. Just sing in the spirit. Oh, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad. Apne gharon mein
इस जगह पे कमान धन्यवाद की भेंटे चढ़ाएं, इनको कहते हैं धन्यवाद की भेंटे, धन्यवाद धन्यवाद एवरीबॉडी, लेट्स गेट इन द टाइम ऑफ प्रेज, थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद धन्यवाद, तालियों को बजाते हुए शुक्रगुजारियों के साथ, थैंक यू जीसस, यू आर वर्थी, वर्थी लॉर्ड होली, ये ये तू योग्य है, योग्य योग्य है, धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। कम ऑन, अपने बंधनों को टूटने दीजिए आज, कम ऑन, जब आप यहां पर आए तो इस बात को बोलिए खुदावन मैं अपने बंधनों को यहां छोड़ के जा रहा हूं, कम ऑन ऑल माय पीपल अपने बंधनों को यहां छोड़ के जा रहे हैं, एवरीबॉडी राइट नाउ हियर, कम ऑन सिस्टर जैनेट अपने बंधनों को यहां पर छोड़ के जाना है, कम ऑन सिस्टर अंशुल, लेट्स लीव आवर bondages right here, come on Praveen, come on Pranali, come on Nuthin, everybody everybody, come on Aman, come on Jyoti bhai, come on everybody everybody, Chandru Anna apne sare bojho ko aaj khudavan ki huzuri mein dal ke jayenge, come on right now Lord I want to give everything, yaar yo pindira apne bandhnon ko chhod do, Rupam apne bandhnon ko chhod do, well Lord I want to set myself free, jab main church se bahar nikal raha hu to main apne bandhnon ke sath nahi, main azadi ke sath yahan se bahar ja raha hu, come on every child every elder come on leave it at the feet of God, bole khudavan main apne sare bandhnon ko yahan chhod ke ja raha hu, sare bandhnon ko, we want to go free from here in Jesus name, yeshu ke naam mein, yeshu ke naam mein bandhan nahi azadi, come on everybody say bandhan nahi azadi khudavan, bandhan nahi azadi, bandhan nahi khudavan azadi ko leke ja rahe, from this place receive your healings in your body, everybody who's sick, if you are sick in your body just say Jesus main apni healing ko aaj receive karta hu apni body mein, everybody lift your hands and say God I receive your healing in my head, in my back, in my knees, in my hand, let the healing of the Lord come to you, parmeshwar ki changai apne tak aane dijiye, come on come on come on, just say thank you Jesus I believe it, meri changai ko mang lete, thank you Jesus for your healing, प्रभु इस समय अपनी चंगाइयों को भेज रहा है आपके घरों में, आपके जीवनों में, उसकी चंगाई को ग्रहण करें, जस्ट रिसीव इट, थैंक यू जीसस, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं सारी आशीषों के लिए, खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया, द लॉर्ड इज गुड, आमेन, हाउ डू वी थैंक गॉड, हम कैसे खुदावन को धन्यवाद दे सकते हैं, बाइबल कैसे बताती है, जय जयकार के नारों के साथ, खुदावंत के नाम की जय हो, तालियां बजाते हो, शुक्र करते हो, थैंक यू जीसस, यस वी स्पीक इट आउट, लेट योर माउथ स्पीक इट, थैंक यू जीसस, तेरी जय जयकार हो मेरे प्रभु, तू योग्य है, तू अच्छा है, तू भला है, अपने मुंह को खोल के जय जयकार करें और धन्यवाद दें, धन्यवाद खुदा, कम ऑन रिसीव इट एवरीथिंग विद थैंक्सगिविंग, स्पीक इट, You have done it, Lord. You have done it, Lord. Yes. Yes. Come on, come on, come on. The chains are broken. The Lord has set us free. We are free. हम आजाद हैं. परमेश्वर ने हमें आजाद किया. ये फ्रीडम किसी और की नहीं है. ये फ्रीडम उसके लोगों की है, ये आजादी किसी और के लिए नहीं है, हमारे लिए, शैतान ने बांधा, यीशु ने किया आजाद, शैतान बांधता है, यीशु आजाद करता है, आमेन, सैतान कम्स टू स्टील एंड टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय बट जीसस केम टू गिव अस लाइफ एंड लाइफ ऑफ अबंडेंस, शैतान केवल चोरी करने घात करने नाश करने हत्या करने के लिए आता है पर यीशु आया किस लिए आया कि हमें जीवन दे कैसा जीवन दे सिर्फ जीवन नहीं कम ऑन एवरीबॉडी थोड़ा सा हाथ फैला के बहुत आए दैट्स व्हाट जीसस केम टू गिव दैट्स व्हाई वी आर हियर ऑन थर्सडे
You want to be encouraged by the word. ये जो word है ना, oxygen की तरह है. और ये जो दुनिया है ना, ये ऐसे N19 mask की तरह है, जो भर जाता तो सांसें रोकने लगता उसके बाद. रहना भी है, पर mask बदलना भी है. है ना? We go back. Job चाहिए है, और job में suffocate हो जाते हैं. परिवार है, परिवार चाहिए, पर परिवार में भी. पर यीशु पता क्या है? ऑक्सीजन की तरह. इसलिए हम थर्सडे को आते हैं, तब आप अपने लंग्स को दोबारा अच्छा कर लें. We want to get some more breath in our lungs. Amen. Breath of the Holy Spirit. आपको मालूम है खुदावन ने जब आदमी को बनाया उसने क्या किया था? मिट्टी ली थी और उसमें क्या फूका था? पावर. आपको और मुझे कई बार ऐसे ही लगेगा हम लोग मिट्टी हो गए, कमजोर हो गए. कितने लोगों को लगा है पिछले दिनों में, यार बिल्कुल जीवन मिट्टी लग रहा है, लगता है ना भारीपन, बोझ के नीचे दब जाते हैं. समटाइम्स वी आर लिविंग डेड. जी तो रहे होते हैं वो, महसूस ऐसा होता है जैसे मिट्टी है. और कई बार तो मुंह से निकल भी जाता है, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी. बट व्हेन वी कम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, वो हम मिट्टी को अपने हाथ में लेता है और क्या करता है? एंड वी बिकम अ लिविंग बीइंग, रेडी टू फाइट अगेन, रेडी टू फेस द थिंग्स अगेन, रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड अगेन. जब जब पवित्र आत्मा आपके अंदर अपनी सांस फूंक देगा, यू विल हैव अथॉरिटी, पावर, डोमिनियन. आप सबडू कर लेंगे चीजों को, अपने हाथ में ले लेंगे. वही चीजें जो आपको परेशान कर रही है ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सब कब्जे में आ जाएगा. आमेन. ऑफरिंग टाइम. दिस इज द बेस्ट टाइम. यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज वेयर वी टेल गॉड वी लव यू द वे यू लव अस. दिस इज टाइम व्हेन वी ऑफर आवर सैक्रिफाइसेस टू द लॉर्ड. और जब ऑफरिंग करने के लिए आते हैं, आई बीन टीचिंग दिस रिसेंटली, मुझे खुदावंद ने ये बात सिखाई और मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों तक कंटिन्यूसली इस बात को पहुंचाता रहूं. कई बार जब हम अपनी ऑफरिंग्स देते हैं तो हम ऐसे ऑफरिंग देते हैं मानो कि ये एक रिचुअल है. एंड वी एक्सपेक्ट नथिंग, वी एक्सपेक्ट नथिंग. आई वुड जस्ट टेक योर 2-3 मिनट्स, सिट डाउन. We are done almost just not more than 5 minutes, I promise you. Just relax for a moment. Let me teach you this. Ayub regular basis pe parmeshwar ko kurbaniyan chadhaya karta tha. Aur jab wo kurbani chadhaya karta tha, ye soch ke chadhaya karta tha ki khudavan inko qubool karega, un sacrifices ko receive karega. और जब वो रिसीव करेगा, अय्यूब को ये मालूम था खुदावन मुझे उसके एवज में या उसके बदले में बरकत देगा. सी जॉब वाज ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस एवरी नाउ एंड देन. व्हाई? बिकॉज ही वाज नोइंग प्रॉबली मेरा बेटा गया था, मेरी बेटी पार्टी कर रहे थे, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी उनसे गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया. सो ही वुड ऑफर सैक्रिफाइसेस बिलीविंग दैट द सैक्रिफाइस विल कवर for all the sins that maybe my daughter, my sons have committed. So what the sacrifice was doing is that sacrifice was covering them. Jab Ayub apne bete aur betiyon ke liye qurbani chadhaya karta tha, wo isliye chadhaya karta tha kahin aisa na ho ki apne dil mein ho unne koi gunah kar diya. Aur jab wo qurbaniyan chadhaya karta tha, wo ye baat janta tha ki parmeshwar meri qurbaniyon ko dekhega aur mere parivar ko bachayega. Here is the thing. Every now and then, when we come to Sundays or Thursdays or prayer meetings, maybe you're watching me online, there's a kind of a sickness in your house. बीमारी है किसी किस्म की, जा ही नहीं रही है. बहुत से लोग होते हैं. You would notice, not everybody. This is not for everybody, but some people. कुछ लोगों की jobs अभी लगती है और अभी छूट जाती है.
कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम रहती, अभी फाइनेंस आया और कुछ ऐसा हुआ कि वो सारा फाइनेंस चला गया। अलग अलग तरीके से उनके फाइनेंसेस को कोई ना कोई चीज बर्बाद कर देती है। एंड वी डोंट रियलाइज व्हेन वी कम इन मोमेंट्स लाइक दिस, हमें मालूम नहीं होता, पर जब हम ऐसे मौकों पे आते हैं तो ये चीजें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जब आप परमेश्वर को अपनी ऑफरिंग्स को या अपनी भेंटों को, बाय द वे इसे चंदा नहीं कहते, बहुत से लोग इसे कहते हैं चंदा। चंदा तो उसके लिए किया जाता है जिसका धंधा मंदा, ये चंदा नहीं है। ऑलराइट, यू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट चैरिटी। यू डू चैरिटी फॉर देम हु डज नॉट हैव। गॉड डज नॉट नीड योर चैरिटी, इन फैक्ट ही हैज डन चैरिटी बाय गिविंग इट टू अस, इफ आई हैव टू पुट इट दैट वे। परमेश्वर अपने बच्चों से भेंटों को चाहता है, इसलिए नहीं कि उसे भेंट चाहिए, पर एक प्रिंसिपल है और परमेश्वर ने इस प्रिंसिपल को मलाकी में रखा है। और परमेश्वर ने कहा अपने सारे दशमांश, किसके सारे, कैसे दशमांश, सारे सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके देखो। परमेश्वर ने कहां लाने के लिए दशमांश का, अपने भंडार में, परमेश्वर के भवन में। अच्छा, बहुत से लोगों की गलती जो होती है वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर के भवन को वो सोचते हैं वो ऑर्फनेज होम है। ऑर्फनेज होम में भेजिए, परमेश्वर के पैसे को ऑर्फनेज भवन, ऑर्फनेज में ना भेजिए। परमेश्वर के पैसे से किसी गरीब को ना खिला दीजिए, परमेश्वर के पैसे से किसी और की। हम लोग थोड़ी सी चल्लाकी कर जाते हैं, जो टेंथ होता है दशमांश हम उसको लेते हैं परमेश्वर का और उससे ये काम करते हैं। अच्छा, ये काम आप अपने 90% से क्यों नहीं करते हैं जो आपके पास है, गलत है। परमेश्वर ने कहा है अपने सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ और फिर कहा ऐसा करके देखो। He said, "Do it and see." उसने एक ओपन इनविटेशन दिया। ना बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। परमेश्वर ने यही तो कहा ऐसा करके देखो, अगर नहीं देखना है तो पट्टी बांध रहो, आंखें बंद रखो, नो प्रॉब्लम। अगर तुम्हें नहीं देखना है तो परमेश्वर बोला बिल्कुल ना देखो। आप किसी की आंख है और बोले मैं नहीं देखूंगा गड्ढा, मुझे तो गिरना है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। आप जैसे ही आप छोड़ेंगे वो कुछ जाएगा। See, some people are like that. बट जो वाइज होते हैं, बाइबल बताती है जो अकलमंद होता है वो मुश्किल को देख के क्या करता है, छिप जाता है, पर मूर्ख बढ़ा चला जाता है। अब परमेश्वर कह रहा है कि अपने सारे दशमांश कहां ले आओ, मेरे भवन में, और कह रहा है ऐसा करके देखो। इसका मतलब फोर्स नहीं किया है। तो अगर आप टाइट नहीं दे रहे, कुछ एक आदमी आके मुझसे बोला अगर मैं टाइट नहीं दूंगा तो क्या होएगा, मैंने कुछ नहीं होगा भाई, टाइट नहीं दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होएगा, जितना कमा रहे हो उतना आएगा, उतना ही चला जाएगा। पर अगर टाइट लाओगे तो क्या होगा, अगर जानना है तो मैं बता सकता हूं। जब आप टाइट लाते हैं तो परमेश्वर ने कहा ऐसा करके देखो, आसमान के झरोखे खोल कर मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा। When we bring things to the house of the Lord, Bible says कि खुदावंत तुम्हें बरकत देगा। He will open up the doors of heaven and bless you. आप साइकिल पे जा रहे होंगे, कोई भैंसा आके नहीं मार देगा आपको, हाथ नहीं टूट जाएगा। आपकी कार के ऊपर ऊपर से नारियल गिर के नई कार लेके आए और नारियल के पेड़ के नीचे खड़ी करी और सुसरा नारियल उसी दिन टूटा और सीधे टूट के सीट के अंदर फाड़ता हुआ पैरों पे गिरा, पैर भी चला गया, शीशा भी चला गया, और धोखे से इंश्योरेंस गाड़ी का नहीं था आपकी, सब सर पे आ गया। परमेश्वर कलाम बताता मलाकी में कि जब आप अपने दशमांश को लाते हैं तो परमेश्वर नाश करने वालों को आपके लिए घुड़क देता है। अब आप क्लैप योर हैंड्स फॉर दैट। बाइबल सेज ही विल रिब्यूक द डिवाउअर। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिब्यूक? अगर शैतान यूं करके आ रहा होगा चोरी करने के लिए, खुदा बोला झप, ये तो ऐसा लगा जैसे किसी ने वो क्या नाम ले लें, कुत्तों के नाम भी इंसानों की तरह होते हैं, समझ लीजिए कुत्ता,
कुत्तू, जैसे कुत्तू आ गया। सबसे अच्छा नाम कुत्ते का हमारे अंकल थे, उन्होंने अपने नाम डॉगी का नाम कुत्तू रखा था। वो सबसे कुत्ते को क्या नाम है? कुत्तू। समझ ले कुत्तू आ गया खाने के लिए, बेटे के लिए खाना है, कुत्तू आ गया, तेल उड़ा दे और खा लूंगा। तो पापा क्या करते हैं करके, ए कुत्तू तो। जब शैतान आपकी लाइफ में आएगा, आपके घर को खराब कर, आपके पैसे को खराब कर, आपका एक्सीडेंट कराने, पता शैतान को क्या करे? खुदा ए कुत्तू तुम दबा के। आपने देखा जब कुत्तू डर जाता क्या करता है? उसकी दुम नीचे हो जाती है। देखा नहीं देखा? मेरे पास आइए मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जब मैं डांटता हूं उनकी दुम नीचे हो जाती है। तो किनारे आके बैठा था, उसको मालूम है ये बाप है, शैतान को मालूम है आपका बाप आपके साथ है। When you bring your tithes and offering to the Lord, ये वादा है उसका। I take time to teach you this. खुदावन ने मुझसे बोला ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया होगी जहां पर परमेश्वर लोगों को बहुत ऊंचाइयों पर उठाएगा। Financially they will be blessed. And you know why they will be blessed? Because they will learn the principles of the word of God. So this is offering time. जब आप अपनी offering लेके आ रहे हैं तो आपको ये विश्वास करना है, God will protect me. Amen. खुदावन मेरे पैसे को, मेरी life को protect करेगा, मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को, मेरे घर को protect करेगा। जब आप offering लाते हैं protection होता है आपके चारों। जब अपनी tithes लेके आते हैं आप अपने लिए उन दरवाजों को खोल रहे हैं जो आप अपनी मेहनत से नहीं खोल पाएंगे, उसके अनुग्रह से खुलते हैं। He said, I will open up the doors of heaven. Doors of heaven आपकी giving के द्वारा खुलता है। And many people don't understand. I don't know who is watching me, हो सकता है आपके लिए दरवाजा नहीं खुला है, जॉब का दरवाजा नहीं खुल रहा है, हेल्थ का दरवाजा नहीं खुल रहा है, शादी का दरवाजा नहीं खुल रहा है। हो सकता है कि आप टाइट ना दे रहे हो, और अगर दे रहे हो तो कुड़कुड़ा के दे रहे हो, या दे रहे हो तो संकोच कर करके दे रहे हो। But I want to encourage you today. यीशु मसीह ने, यीशु परमेश्वर ने अपने कलाम में इस बात को बोला, ऐसा करके देखो, मुझे परखो। I can tell you with experience, जब आप उसे परखते हैं तो वो अपनी परख में कभी फेल नहीं होता। खुशी के साथ उसके भवन में ऑफरिंग्स को लाइए, गिफ्ट्स को लाइए, टाइथ को लाइए, एंड सी व्हाट गॉड विल डू फॉर यू। Now we are in the midst of raising of the funds. आपको मालूम है हम लोग लैंड के लिए funds raise कर रहे हैं। कल हमारी मुलाकात CA से है, almost sale agreement के papers draft हो गए हैं, and we are in the process. खुदा ने चाहा तो next week में हम जमीन खरीद लेंगे। Amen. Okay. Initial payment का जो amount है खुदावन के फजल से वो हमारे पास हो गया। Amen. We are running 1 crore short. It was a huge amount. But Khuda Baap ne us bade amount ko jo hamara initial payment hai, wo pura ho gaya, and we are going to make the payment next week. 1 crore ki kami hai. And I want to give you another good news. Dusri good news ye hai, hame owner ne ya seller ne 6 mahine ka time de diya hai. उन्हें कहा यू कैन पे 1 crore विद इन अनदर 6 months। सो जो लोग हमारे साथ यहां ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, एवरीबॉडी हू इज सिटिंग हियर, 1 crore की जरूरत है और 6 महीने। इन 6 महीनों में आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं चर्च को 10 lakh दूंगा, 5 lakh दूंगा, 1 lakh दूंगा, 50,000 दूंगा, जिसकी जैसी क्षमता। पर आई वॉन्ट एवरीबॉडी इन द चर्च, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अपने हाथ को बढ़ाएं जरूर, और ऐसा करके देखें कि आसमान का खुदा आपके लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। नाउ दिस इज द ऑफरिंग टाइम। जब आप अपनी ऑफरिंग्स को भेज रहे हैं, जब आप अपनी ऑफरिंग्स को ला रहे हैं, हमारे चर्च में तो बहुत से लोग ऑनलाइन ही ट्रांसफर करते हैं, बाय द वे बोल्स भी हैं लेफ्ट और राइट में, अगर आप अपनी ऑफरिंग को ला रहे हैं और बोल्स में डालना मांगते हैं डाल सकते हैं। अगर आप अपनी ऑफरिंग QR कोड स्कैन करके भेजना मांगते हैं तो भेज सकते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और कह रहे हैं कि पेटीएम काम नहीं कर रहा है या गूगल पे काम नहीं कर रहा है, कोई और ऐप से भेज सकते हैं। कई बार पेटीएम ब्लॉक हो जाता है या गूगल पे से नहीं होता, इट हैपेंस, पर आप दोनों ऐप से ट्राई कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर QR कोड्स हैं, आप उनको ले सकते हैं, आप बैंक डिटेल्स ले सकते हैं और अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो अपनी ऑफरिंग्स भेजने में, आप स्क्रीन के पे दिए गए नंबर से
हमसे बात कर सकते हैं जितने हमारे पास चर्च में लोग बैठे हैं. अगर इफ यू हैव एनी ट्रबल सेंडिंग इन योर ऑफरिंग देन यू कैन मीट मी पास्टर रुश्ता वी विल हेल्प यू आउट. आप क्यू आर कोड स्कैन कर सकते हैं, आप ऑफरिंग अमाउंट को बैंक डिटेल्स लेके भेज सकते हैं. आपके कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर करते हैं, आपकी ऑफरिंग्स मैटर करते हैं. अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होते तो ये अकेले के बस का काम नहीं था. आई वॉन्ट टू थैंक गॉड फॉर योर लाइव्स. आप मेरे साथ खड़े रहे और ईमानदारी के साथ खड़े रहे और खुदा के फजल से हम लोग इस जगह पे पहुंचे हैं कि इतने बड़े अमाउंट को हम कवर कर पाए. एंड वी जस्ट वॉन्ट थैंक गॉड. मजे की बात यह है हमें इतने अच्छे सेटलर्स मिले हैं कि ना सिर्फ उनने हमें परमिशन दी है कि हम 6 महीने में पैसा दें पर उनने हमें यह भी आज्ञा दे दी है कि हम अपने चर्च को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. सो गॉड विलिंग वी विल सून सेटल इन आवर चर्च. सो इन सब बातों को याद रखें, दुआ करते रहें, अपनी ऑफरिंग्स को कंटिन्यूसली भेजते रहें. जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं ये आपके लिए ऑफरिंग टाइम है. 1 करोड़ की कमी है और आने वाले 6 महीने में हम इन 1 करोड़ रुपए को रेस करते रहेंगे. आप आज अपनी ऑफरिंग दे सकते हैं, कल अपनी ऑफरिंग दे सकते हैं, 6 महीनों में दे सकते हैं. बट मैं जरूर कहूंगा टेक आउट अ गुड अमाउंट फॉर द हाउस ऑफ गॉड ताकि खुदा आपको बहुत बरकत दे. ऑफरिंग टाइम, लेट्स स्टैंड अप, प्रे, ब्रिंग आवर ऑफरिंग्स एंड गो अहेड. फादर वी जस्ट वांट टू थैंक यू. तो बाप जब हम अपनी ऑफरिंग्स को डाल रहे हैं, जब ऑनलाइन लोग अपनी ऑफरिंग्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, चर्च के लैंड के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, जब चर्च में लोग अपनी ऑफरिंग्स को दे रहे हैं, एक एक जन को तेरे हाथ में रखते हैं और दुआ करते हैं एक एक ऑफरिंग के ऊपर तू बड़ी बरकत देना. जितने लोगों ने चर्च लैंड के इस बड़े काम के लिए अपने हाथ को बढ़ाया उन्हें किसी भली वस्तु की कमी और घटी ना होने देना. लेट देम गो फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. इनके घर के खाने पे, पीने पे, परिवार पे, एक एक चीज पे जो इनके पास है बरकत दे. इनके पास अपने घर हो जाए, इनके परिवार खूबसूरत हो जाए, इन्हें किसी भली वस्तु की कमी और घटी ना हो. महिमा से महिमा तक, ऊंचाइयों से ऊंचाई तक बढ़ते रहे. खुदावन यीशु के नाम में आमेन. बी अ पार्ट ऑफ दिस संडे सर्विस. लेट दिस बी अ मिशन. ईच वन रीच वन. हर एक जन किसी एक जन को लेके जरूर आए. This Sunday is going to be amazing. May the Lord bless you and keep you. Come with somebody. Come with excitement. This Sunday is going to be awesome. Amen. Let's have the benediction. अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे आज से लेकर हमेशा तक. तेरा फजल हम पे बना रहे. खुदावन यीशु के नाम में आमेन. God bless you. Love you all. Have a very blessed weekend. Bye bye. जब आए थे अकेले आप इस शहर के अंदर और खुदावन ने आपका घर बसा दिया, आपको गाड़ी दिला दी, आपके बिजनेस को सेटल कर दिया. मजा तो तभी है जब आपके लिए वो काम इतना बड़ा करे जो आपसे कहीं ज्यादा बड़ा है. खुदावन आपके लिए बहुत बड़ा काम करना मांगता है पर वो देखना ये मांगता है कि आप धन्यवादिता से भरे हैं या नहीं.